परमादेश, परमादेश मतलब होता है मैंडमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके खिलाफ जारी होगा? सरकारी लोक सेवक, जैसे आप अधिकारी बनने वाले हो ना, तो आपके खिलाफ जारी हो जाएगा लोक सेवक के विरुद्ध, इसको बोलते हैं परमादेश। जैसे मान लो आपकी कोई जमीन है गांव में, ठीक है, अब आपकी जमीन में किसी बाहरी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, आप गए पटवारी के पास, सबसे छोटा अधिकारी पटवारी भू राजस्व का। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक भू संहिता अधिनियम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्री में कई बार पूछ लेते हैं, भू संहिता अधिनियम 1959, जिसके तहत हल्के वगैरह का काम पूरा पटवारी करता है। पटवारी के पास गए तो पटवारी ने कहा कि भैया 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद आरआई के पास गए, आरआई का है 10,000 रुपये लगेगा। फिर आप एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने कहा कि देखो भाई पूरा रफा दफा करने में कम से कम 20-25 हज़ार तो लग जाएगा। आप आईएएस के पास गए, आईएएस आपकी बात ही नहीं सुन रहा, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, जन सुनवाई में आप पहुंच गए कहाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंचोगे 226 के तहत, है ना, और आर्टिकल 32 के तहत पहुंचोगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहा हूँ, हैबियस कॉर्पस के संबंध में, परमादेश के संदर्भ में। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये आदेश देगा, किसको आदेश देगा, वहां के कलेक्टर को बुला के, और देखते हो कैसे कैसे बुलाते हैं, अगर होता है ना जज साहब कैसे बुलाते हैं कलेक्टर साहब को, बहुत अच्छी इज्जत देते हैं, मतलब कभी देखना वीडियो में समझ में आएगा। अगर आप लोक सेवक से अपने आप को अधिकारी समझे तो जज साहब ना आपको जमीन में बैठाने का काम करते हैं समय समय पर। किसको बुलाएंगे, कलेक्टर को, मान लो कलेक्टर को बुलाए, एसडीएम को बुलाए, पटवारी को बुलाए, आरआई को बुलाए, जहां जिस व्यक्ति ने पैसा मांगा है, जिस व्यक्ति ने काम नहीं किया आपका, अब आपके खिलाफ क्या होगा, लोक सेवा के खिलाफ जारी होगा परमादेश। न्यायालय क्या बोलेगा, मैं आपको आदेश देता हूं कि इस व्यक्ति की जमीन इसको वापस सौंपी जाए, ठीक है। अब ये लोक सेवा क्या करेगा, अपने समय पर काम करेगा, जो काम 10 साल में होना होगा ये 10 मिनट के अंदर करवा देगा, ये बुलडोजर उलडोजर चलवा के ना व्यक्ति की जमीन दिलवा देगा। जो बाहुबली यहां पे बैठा हुआ है उसको यहां पे खाली कराया जाएगा। दूसरा, जज साहब चाह ले तो जो अधिकारी पैसा मांग रहा था, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा था, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, हाँ, क्योंकि आप एक लोक सेवक हैं, आपको प्रशासन में जाके काम करना है, रोटियां नहीं तोड़नी है वहां पे, तो जज के पास इतना पावर होता है। परमादेश समझ में, हम आदेश देते हैं, ऐसे तो पढ़ना, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा, न्यायालय आदेश देगा किसको, लोक सेवक को, ठीक। आपको तो आदेश नहीं दे देगा क्योंकि आप सरकारी अधिकारी ही नहीं है, है ना, आपसे थोड़ा बोलेगा कि भैया एक काम करो, बगल में जो रोड बन रही है उसको देख लो, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं देगा ना, क्योंकि आप एक अधिकारी नहीं है। पर जैसे ही आप अधिकारी बन जाएंगे और आपके अधिकार क्षेत्र में वो काम हो रहा है और आप उस कार्य में संलग्न हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ परमादेश अर्थात मैंडमस जारी होगा। तो कौन जारी करेगा, न्यायालय जारी करेगा। किसके खिलाफ जारी होगा, लोक सेवक के खिलाफ जारी होगा। मैं देखता हूं परमादेश में लोग बत्तीबाजी लिखते हैं 3 नंबर में, सिंपल सी बात है, कैसे लिखना, परमादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, यह न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताना ना हाई कोर्ट बताना, सीधा लिखना न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, यह लोक सेवक के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसमें उनको उनके कार्यों से अवगत कराया जाता है, सिंपल सी बात है।